कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि खुदा ना खास्ता मैंने कभी किसी तरह भी कोई ऐसी बात की हो कि जिससे मैं समझूं कि मेरा ज़मीर मुझे मलामत करेगा या मेरा कोई अदारा या मेरे पाकिस्तानी झंडे का खुदा ना खास्ता वो नीचा होगा मेरी बात करने से। कभी कोई बात। लेकिन मेरे जैसे बंदे के ऊपर इतने ज्यादा केसेस और सबके ऊपर किए हैं। मेरे ऊपर कहा गया कि मैंने फायरिंग करके बंदे मारे हैं, कत्ल किया मैंने, जिसने अपने 39 साल करियर में किसी को ओए तोए तक नहीं करने वाला, आप अंदाजा लगा लें। दूसरी बात, इस इलेक्शन ने, जनरल इलेक्शन ने एक चीज तो साबित की है, वो ये है कि जो पूरे पंजाब के अंदर या बाकी जगहों पर इलेक्टिबल्स होता था, वो तमाम चीजें इमरान खान के नैरेटिव ने वो चीजें खत्म कर दी हैं, दफन कर दी। सिर्फ एक वोट है इमरान खान का, इमरान खान के नजरिए का, उसके बयानिए का, लोगों ने वोट दिया। मेरी रिक्वेस्ट है कि उस वोट का, उस मैंडेट का एहतराम किया जाए। आप उस मैंडेट का, जो लोग आ रहे हैं, रात हमने 3 बंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जो तीनों आपस में एक दूसरे की करप्शन के दिल दादा हैं, जो एक दूसरे की करप्शन के बारे में बातें करते हैं जब इलेक्शन आ जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन जाते हैं तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। रात आपने उनकी शक्लें देखी हैं, किसी शक्ल के ऊपर कोई रौनक हो, कोई आपको एहसास हो कि यार ये हमारे हुक्मरान हैं, आपको वो हुक्मरान नजर नहीं आएंगे। वो वारदाती हैं। हुक्मरान वो होते हैं जो अवाम में से हो, अवाम की बात करें। ये अवाम में से नहीं है, इन्होंने तो मैंडेट चोरी किया है। इन्होंने जो 45 फार्म, जो 45 था, उसको रद्द कर दिया और 47 जारी करवा लिया। चलो आप जाओ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके फिरो, ये मेरा भाई साथ बैठा हुआ है, इसको हरवा दिया। टीवी सर्वे आगे पीछे जाए, चांगला में जाकर पता करें कि वहां पर कौन सी जमात जो है वो लोगों के दिलों पर राज करती है, वो पीटीआई है, उसे भी हरवा दिया। मेरे लाहौर के अंदर क्लीन स्वीप है, पिंडी के अंदर क्लीन स्वीप है। कौन सी ऐसी जगह पर है जहां पर पीटीआई के बंदे हमायत याफ्ता नहीं जीते? लेकिन फार्म 45 को बदलकर 47 जारी कर दिया गया, चलो भी जाते रहो। खुदारा अवाम के मैंडेट का एहतराम करें, हमारे ऊपर ये मसल्लत ना करें। ये आजमाए हुए हैं, ये PDM 2 आ रहा है, अवाम को कोई रिलीफ नहीं है। दिन ब दिन अवाम जो महंगाई के घड़े में जाएगी, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सक रहा। लोगों ने अपने बच्चे स्कूलों से उठवा लिए हैं, घरेलू खवातीन ने अपने जेवर बेचकर बिजली के और गैस के बिल अदा किए हैं, घर का राशन डाला है, और ये PDM की तरफ से फिर PDM 2 हम पे मसलत है। इन्होंने 16 माह में क्या कुछ नहीं किया जो अब करना है, जो नहीं कर सके, हर चीज तबाह कर दी। जब से नून और पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की है, हर अदारे को तबाह किया, हर अदारे को। कोई अदारा ले लें, कोई एक अदारा, ऊपर से लेकर नीचे तक, जो रियासती अदारे उनको भी, जो पब्लिक के अदारे उनको भी, चाहे वो PIA है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो कोई पुलिस का अदारा है, चाहे कोई अदारा है, चाहे कस्टम है, हर जगह पर इन्होंने मनमानियां, भर्तियां, और उन अदारों को इस नहज पर ले आए कि आज वो बिकने के काबिल भी नहीं रहे। और कहते हैं हमने मेट्रो बना दी, और मेट्रो को चाटना है, गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, मेट्रो को चाटना है कि
पीआईए खसारे में चला गया, डूब गया, अब उसको बेच रहे हो। रेलवे खसारे में चला गया, डूब गया, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है और तुम्हें मेट्रो की पड़ी हुई है। उसके पीछे भी कहानी है, इंशाल्लाह असेंबली में जाएंगे, अल्लाह ने मौका दिया तो वो सारी चीजें बयान करेंगे। सो मैं एक बात यहां पर करना चाह रहा हूं कि हमारे जो कैंडिडेट हैं जो कामयाब हो गए, जिनके नोटिफिकेशन हो गए, नून लीग कह रही है कि हम में शामिल हो जाओ आरओ के जरिए, शामिल हो जाओ नहीं तो तुम्हारा नोटिफिकेशन कैंसिल। तो कैंसिल हो गए भाई, बकर से कैंसिल हो गया, पिंडी से कैंसिल हो गया, टोबा टेक्सिन से कैंसिल हो गया, मुल्तान से कैंसिल हो गया, बाकी भी कह रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं, अगर हमारे साथ आओगे तो तुम्हारा नोटिफिकेशन रहेगा, अगर नहीं आओगे तो तुम्हारा नोटिफिकेशन कैंसिल है, तुम मेंबर नहीं हो। रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में भी अगर वारदातें डाल के आप चोर हम पे बैठा देंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा? ये चोरी के वोटों से सारा सिलसिला चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चलना। अवाम ने जिनको मैंडेट दिया उन्हें आने दें, अगर हम परफॉर्म करें तो बिस्मिल्लाह, अगर हम परफॉर्म नहीं करते तो अवाम हमें वोट नहीं देगी, अवाम हमें निकाल देगी, अगली दफा हमें रिजेक्ट कर देगी। लेकिन हमारे साथ ये सलूक ना किया जाए। ये मेरी नून लीग वालों से, निगरान हुकूमत से और इलेक्शन कमीशन से मेरा मुतालबा है कि अवाम ने हमें मैंडेट दिया है हुकूमत करने का, हमें करने दी जाए। आप इस तरह बंदे तोड़ते रहेंगे, 85 में बंदे तोड़े नवाज शरीफ ने वजीर आला बनने के लिए, 88 में किया उसने, बेनजीर ने किया, इन्होंने किया, 90 में किया, 93 में किया, 96 में किया, हर दफा इन्होंने ये किया है। और इन्होंने ये कर करके इस अवाम के अंदर इतनी पार्लियामेंट की बेतुकीरी कर गई है कि अब पार्लियामेंट के ऊपर कोई एतबार करने को तैयार नहीं, ये इनका हाल है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है के दौर में आपने जज से लेकर चीफ जस्टिस के दौर में अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दिया गया है, बलूचिस्तान में दिया गया है, पंजाब में दिया गया है, वफाक में दिया गया है, केपीके में दिया गया है। हमें मतलका हमारे मेंबर्स के नोटिफिकेशन किए जाए ताकि हम अगर परफॉर्म करें तो अवाम हमें वोट देगी, हमारे नजरिए को वोट देगी, हमारे कामों को वोट देगी। अगर हम उन्हें रिलीफ देते हैं हमें वोट देगी, नहीं करेंगे तो नहीं वोट देगी। लेकिन ये तरीकाकार नहीं है कि हमारे बंदों के रिजल्ट चेंज कर दिए जाए। भाई भाई बात नहीं, नहीं, बस पहले आप नहीं, 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 ये सब क्या कहेंगे? 9 मई के बाद आप नहीं थे, मंजर-ए-आम से गायब थे, अभी आप सामने आए हैं, डेली टीम के इलेक्शन जीतने के बाद अभी असेंबली की क्या सूरत हाल होगी? पंजाब बंदे कितने हैं, हुकूमत बनाने जा रहे हैं, अपोजिशन में बैठेंगे आप लोग? देखें, गुजारिश ये है कि हम ऑब्वियसली एक पार्टी को रिजर्व सीट के लिए उसको ज्वाइन कर रहे हैं ताकि हमारी रिजर्व सीट्स भी आ जाएं और हमारे मामला भी हो जाएं और हमारे जो पीटीआई के हमायत याफ्ता लोग हैं वो किसी एक पार्टी में चले जाएं और हमारे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो भी ड्यू हैं, वो भी इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर होने वाले हैं, फिर हम वापस अपनी पार्टी की तरफ रुजू करेंगे और सारा सिलसिला हो जाएगा। वो एक कानूनी पॉइंट है जो हमारे लीगल बंदे जो हैं वो उसको देख रहे हैं। जहाँ तक नंबर्स का ताल्लुक है, हमारे बंदे वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन जिनको ड्रा कर नोटिफिकेशन कैंसिल करने का ड्रा कर थ्रेट करके लिए जा रहे हैं, मैं सिर्फ उसके लिए कह रहा हूं कि वो ना करें। ये ज्यादा देर नहीं चलनी असेंबली अगर आप इस तरह करेंगे। आपके आपके आपको अवाम ने रिजेक्ट किया, रिजेक्टेड हो आप रिजेक्टेड और सिलेक्टेड होना चाह रहे हो। आप रिजेक्टेड भी हो और सिलेक्टेड भी हो और आप इंशाल्लाह, आपसे ये चलना नहीं है निजाम, मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं बता के जा रहा हूं।
ये वही चलाएंगे जिनको आवाम ने मैंडेट दिया। साहब ये बताइए कि अगर आपको हुकूमत मिल गई पंजाब में तो क्या आप इन वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी या कोई और करें? देखें, जो खान साहब ने चंद रोज पहले जेल से जो अपना बयान दिया है, उस बयान के मुताबिक यही है कि हम आगे की तरफ जाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। रही जो जुल्म और ज्यादती जो हुई है, बिल्कुल उस पे जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। वो अदालत का काम है कि फैसला करे किसी ने जुल्म किया है या नहीं किया। हम पर्सनली किसी के साथ विंडिक्टेड नहीं होंगे, हम पर्सनली किसी के साथ नहीं होंगे। हाँ, जो जुडिशियल कमीशन बने उसके अंदर जो फैसले हों वो फैसले इंप्लीमेंट हो, हमारा किसी से जाती कोई नहीं है। हाँ, जिसने जुल्म किया है वो कमीशन के सामने पेश। साहब ये जरा बताएं कि जितने भी पीटीआई के रहनुमाए पेशावर हाई कोर्ट आ रहे हैं तो कोई और अदालत पे आपको एतमाद नहीं है? आप अफगानिस्तान गए तो अफगानिस्तान से होके वो इधर से आ रहे हैं? देखें, हमें अपनी अदालतों पे एतमाद है, क्योंकि था मैं इधर ही तो फिर मैंने इधर ही रिक्वेस्ट कर दी है, इधर से बेल लेके तो अब पंजाब में जा रहा हूँ। कोई इस तरह का ही सिलसिला था। एक बंदा स्कोर है आपके पास जिसके बिना पे आप पंजाब में हुकूमत बनाने के तो अभी कोशिश हो रही है ना, तो आपके साथ शामिल होना चाह रहे हैं? देखें, ये तो अब क्योंकि दोस्त और बाप जो हैं वो सारे काफी तो वही हैं जो कि 9 मई के वाकयात के अंदर एमपी साहबान को बुक किया हुआ है। अब वो सारे इकट्ठे होंगे, इंशाल्लाह अपना नंबर भी शो करेंगे। इंशाल्लाह हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। कराची के शहरियों ने पीटीआई को मैंडेट दिया है, पंजाब के लोगों ने पीटीआई को मैंडेट दिया है, सिंध के लोगों ने पीटीआई को मैंडेट दिया है, बलूचिस्तान के लोगों ने पीटीआई को मैंडेट दिया है। हमें हमारे मेंबर्स दें। हम मांगे तांगे के बंदों से असम्बली में नहीं बनाना चाहते भाई, हमने अवाम ने हमें खुलकर वोट दिए तो हमें वो काम करने दिए जाए। लेकिन ये नहीं है कि आज की तारीख तक रिजल्ट चेंज हो रहे हैं, आज की तारीख तक फॉर्म छप रहे हैं, आज की तारीख तक बैलेट पेपर छप रहे हैं, आज की तारीख तक हर चीज चेंज हो रही है। क्या अवाम ने इस मकसद के लिए हमें वोट दिए थे? उनको वोट नहीं मिले, मैंने आपको बताया वो रिजेक्टेड है और सिलेक्टेड बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं होना उनसे इंशाल्लाह। नहीं अदालत ने कहा उस्मान बुज़दार तो नहीं बनेंगे, आप क्या कहते हैं? चलो भाई है मेरे जी। सर माइक माइक प्लीज रजिस्ट्रार के पास जाए। कुछ और तो ले जाओ।